हेलो फ्रेंड वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस हम फिजिक्स में आज डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन प्रिज्म एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इसको हम ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को रिलेशन फाइंड करेंगे तो हमने फर्स्ट एबीसी प्रिज्म ड्रॉ किया अब पी लाइट जो है आई एंगल पर प्रिज्म सरफेस ए पर इंसिडेंट हो रही है ये एयर इधर डेंसर है ये नॉर्मल है हमारा अब जब एयर से डेंसर देंस, में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है क्योंकि इसको ऐसा जाना चाहिए था सीधा सीधा ना जा करके नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल यहाँ से रेज पास होकर के सरफेस ए पर इंसीडेंट होती है हमने ले लिया आर डेस पर हो रही है ये हमारा नॉर्मल है इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है तो इस पर हमने नॉर्मल ड्रा किया और ये आर एस डायरेक्शन में इमर्ज हो गई किस एंगल से आई डी से अब डेविएशन ऑफ एंगल क्या होता है वाट इज द डेविएशन ऑफ एंगल इंसिडेंट रे को हम आगे ड्रॉ करेंगे और इमरजेंट रे को पीछे ड्रॉ करेंगे इनके बीच में जो एंगल ये ड्रॉ होगा दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रगल यू क्यू आर यू क्यू आर तो डेल्टा जो है इंटेरियर अपोजिट एंगल है हमारा ये और इसका जो सम होता है ट्रैंगल के जो सामने के इसके सामने के जो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है अब ये सोचिए ये हमारा आर है अब ये रेज इधर गई और ये रेज इस साइड में गई ये पूरा एंगल हमारा हो गया आई हमें ये एंगल फाइंड करना है तो कितना होगा आई माइनस आर सिमिलरली इसी तरीके से ये आई है आई है ये आई ये आर ये कितना हो जाएगा आई डी माइनस आर तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा आई माइनस आर प्लस आई डीस माइनस आर डेस तो आई आई को हमने पास में लिख लिया आई प्लस आई माइनस कॉमन ले लिया दोनों आर माइनस के हैं तो आर प्लस आर डे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब हम क्या करते हैं क्वार ट्रायंगल देखते हैं क्वार देखते हैं ए क्यू ओ आर ए क्यू ओ आर तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल ओ इसकल टू वन एट्टी इक्वेशन सेकेंड अब इस ट्रैंगल में देखते हैं क्यू ओ आर आर प्लस आर प्लस एंगल ओ इसल टू वन एट्टी तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ और इसके आगे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड तो पहला जो इक्वेशन निकली थी हमारी क्या निकली थी ए प्लस ओ इसल टू वन एट्टी फिर क्या निकली थी आर प्लस आर डे प्लस ओ इजकल टू वन एट्टी तो दोनों को इक्वल कर दिया हमने ए प्लस टू आर प्लस टू क्या इक्वेशन R R नेक्स्ट हमारी फ्रॉम 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 इक्वेशन 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 फर्स्ट 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 तो uh, first, तो नंबर हमारी क्या थी डेल्टा टू आई प्लस आई माइनस आर प्लस आरडेस अभी वैल्यू हमने फाइंड की है ए तो यहाँ पर हम प्रिज्म प्रिज्म की मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में क्या होगा इंसिडेंट और इमरजेंट एंगल इक्वल हो जाएंगे आई डी एस इजकल टू आई सिमिलरली आर डी एस इजकल टू आर और डेल्टा हमारा बन जाएगा डेल्टा एम दिस इज ए मिनिमम डेविएशन एंगल इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर इसमें और इसमें तो ए कल टू आर प्लस आर डे आर डे की जगह आर पुट करेंगे तो एज कल टू कितना आर प्लस आर तो कितना हो जाएगा हमारा टू आर यहाँ से आर फाइंड करेंगे तो क्या होगा ए टू इक्वेशन बनी हमारी सिमिलरली इसमें डेल्टा की जगह डेल्टा एम आई डे की जगह आई तो टू आई माइनस ए टू आई माइनस ए और यहाँ से आई फाइंड करेंगे तो ए उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम और टू डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा अब हमने आई और आर की वैल्यू फाइंड कर ली अब हमें रिफ्रे इंडेक्स फाइंड करना है तो स्नेल स्लॉ क्या बोलता है हमारा फ्रॉम स्नैल स्लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एन इसल टू साइन आई फॉर साइन आर आई और आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा एन स्कल टू साइन ए प्लस डेल टाइम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू दिस इज इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिस इज अ फॉर्मूला रिफरेंट इंडेक्स ऑफ प्रेज एन इज ए प्लस डेल्टाइन ए बाई टू अब इसी में देखते हैं डेविशन बाई प्रिज्म अगर हम थिन प्रिज्म की बात करते हैं तो क्या होता है जब ए एंगल हमारा वेरी स्मॉल हो जाएगा तो साइन आई इज टू आई को हम पुट कर देंगे ये हमारे एजम्सन है साइन आर स्कल टू आई और साइन आर स्क्वल टू क्या होगा आई आर तो अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा था एन इज टू साइन ए प्लस डेल्टा एम वाई टू अपॉन साइन साइन आर वाई या ए वाई टू तो यहां से साइन हटा देंगे तो एन स्क्ल टू क्या होगा हमारा ए प्लस डेल्टा एम बाई टू ए कैंसिल हो जाएगा ये यहां पर आएगा ए का मल्टीप्लाई एन में होगा एन ए स्क्वल टू ए प्लस डेल्टा इधर आएगा माइनस का होगा एन ए माइनस ए टू डेल्टा एम ए कॉमन ले लेंगे एन माइनस ए इज्क्ल टू डेल्टा ये हमारा थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला हो गया अब देखिए मेन कंसेप्ट कर बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें मिनिमम डेविएशन एंगल देखना है इसकी डेफिनेशन देखनी है तो हम क्या होता है जब इंसिडेंस एंगल को हम इंक्रीज करते चले जाते हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है फर्स्ट टर्म डिक्रीज होता है और डिक्रीज होने के बाद एक मिनिमम वैल्यू के बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और जिस मिनिमम वैल्यू तक वो डिक्रीज होता है और उसके बाद जो इंक्रीज होता है उस मिनिमम वैल्यू को ही हम डेल्टा एम कहते हैं इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज ग्रेजुअली देन द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीज इज अटेंड्स अ मिनिमम वैल्यू क्या कर लेता है मिनिम वैल्यू अटेंड कर लेता है एंड देन फिर से क्या होता है अगेन स्टार्ट इन इंक्रीजिंग और वो फिर से इंक्रीज होने लगता है इसके ग्राफ को देखते हैं ये एग्जिट एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंट कर रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब यह कर्व एक पैराबोलिक की तरह है अब इसमें देखते हैं ये डेल्टा को रिप्रेजेंट कर रही है ये आई को यहां पर आई हमारा यहां है यहां पर आई इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ ठीक है लेकिन डेविएशन एंगल क्या है देखो धीरे 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 ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है और यहाँ पर मिनिमम हो गया और मिनिमम होने के बाद वो तो क्या होने लगा फिर फिर से इनक्रीज होने लगा तो इस मिनिमम वैल्यू को ही हम बोलते हैं मिनिमम डेविशन एंगल ये इंसिडेंस एंगल हुआ हमारा आई ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन आएगा और यहाँ के बाद क्या होगा फिर से हमारा इंसिडेंट एंगल इंक्रीज होगा और यहाँ पर आकर के प्रिज्म बाय प्रिज्म रेज जो है हमारी इमर्ज हो जाएगी ई e. और इस कंडीशन में क्या होता है जो आई जितने जितने एंगल पर हमारी इंसिडेंट होती है उतनी एंगल पर रेज जो है इमर्ज होती हैं तो आई इज टू ई थैंक यू फ्रेंड